दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी मेरा वीडियो देख रहे थे स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये है 24x7 इन्वर्टर माइक्रोटेक की। तो फिर सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है तो इसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है हम उसमें डायग्नोज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉजिटिव सप्लाई देखे हीट सिंक में, ये हीटिंग जो है ये पॉजिटिव सप्लाई है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे जो ये नट बल्टू है यहाँ पे ये नेगेटिव है, यानी कि ये ग्राउंड है, देख सकते हैं आप ये ग्राउंड है। तो हम लोग यहाँ पे एडाप्टर को हम लोग सप्लाई दे देंगे और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो अब हम लोग इसमें सप्लाई देते हैं, तो एडाप्टर सप्लाई देते हैं, सप्लाई यहाँ पे दे दिए, इसमें हम सप्लाई दे दी है, लेकिन ये सिस्टम जो है ऑन नहीं हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं इसी स्विच को जो लाइट है ग्लो कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो एलईडी है वो नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम यही है। तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या चेक करना है, यहाँ पे जो है इसकी 5 वोल्ट हम लोग चेक करेंगे। तो 5 वोल्ट चेक नहीं, 5 में हम लोग 5 वोल्ट चेक करना होगा। अगर 5 वोल्ट आप आईसी में चेक करें तो ऊपर भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये डायोड के अक्रॉस आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं, एक साइड में आपकी 12 वोल्ट आएगी और एक साइड में आपका 5 वोल्ट आएगा। तो हम लोग मीटर ले लेते हैं, हम लोग सप्लाई देंगे, यहाँ पर सप्लाई दे दी है, देख सकते हैं आप मीटर में। तो ठीक अपोजिट साइड में जो है आपका 5 वोल्ट आएगा, ये 5 वोल्ट आ रहा है, यानी कि ये इसमें आईसी में सप्लाई सही घुस रही है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जब भी आप पहले बना रहे सबसे पहले आप इसकी जो है फ्यूज चेक कर लीजिएगा, फिर चेक करेंगे तो समझ में आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसकी फिशिंग में 5 वोल्ट चेक करेंगे तो 5 वोल्ट इसमें मिल जाएगा, यानी कि ये फ्यूज सही है। प्राइमरी इनपुट है वहां पे जो 0 वोल्ट है और उसके आउटपुट में भी अगर 0 वोल्ट मिल रहा है तो ये फ्यूज ओके माना जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है और इसमें जो है आईसी थोड़ा सा हीट भी हुआ, यहाँ पर कलर कुछ चेंज हो गया देख सकते हैं। तो हम लोग अब इसकी माइक्रो आईसी को चेंज करेंगे। तो हम लोग पहले सप्लाई को कट कर लेते हैं, देख सकते हैं सप्लाई कट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग माइक्रो आईसी एक लगाएंगे। इस आईसी को हम निकाल लेंगे, आईसी निकाल लिए हम लोग और हम लोग पास सेम एक माइक्रो आईसी है मिला है, इसी को हम लोग लगाएंगे। दोस्तों आईसी लगाने से पहले सबको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर 5 वोल्ट से ऊपर सप्लाई से आईसी में आएगी तो ये आईसी खराब हो जाएगा, यहाँ तक कि आपका जो है 6 वोल्ट भी आएगा तो ये आईसी खराब हो जाएगी। तो आपको ये यहाँ तक ये ध्यान देना है। हम लोग आईसी लगा दिए, आईसी का जो है आप सिंबल देख के लगाइएगा। आईसी का देख सकते हैं यहाँ पे एक कट है, कट का साइड में जो है आपका आईसी का कट जो है लगेगा। तो ये पिन नंबर 1 है 2 ऐसे करते हुए जाना है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इसको ऑन करेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पे सप्लाई इसमें आईसी चेंज कर दिए, अब हम लोग सप्लाई देके देखेंगे। इसमें सप्लाई दे दिए हम, ठीक है दोस्तों सप्लाई इसमें दे दिए हैं। हम स्विच को ऑन कर लेते हैं, स्विच यहाँ पे ऑन किए और यहाँ पे भी सप्लाई आ गया, यानी कि ये है सिस्टम अभी ऑन हो गया है, इसकी माइक्रो आईसी खराब थी। अब दोस्तों हम लोग ड्राइव वोल्टेज चेक कर लेंगे, ड्राइव वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, इसके लिए एक बार हम लोग सप्लाई को कट कर लेते हैं, ठीक है। इसको उलट देंगे, सर्किट को उलट दिए, उलटने के बाद हम लोग इसमें ड्राइव वोल्टेज चेक करेंगे। इसमें 2 चैनल है, 2 इस साइड में चैनल है। अब हम लोग अब सप्लाई इसमें लगा के चेक करते हैं, यहाँ पे सप्लाई दे देते हैं, सप्लाई इसमें दे दी है और यहाँ पे सिस्टम ये ऑन हो गया, देख सकते हैं आप। और हम लोग यहाँ पे इसकी ड्राइव वोल्टेज चेक कर लेंगे, इस साइड पे नेगेटिव साइड में देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग सप्लाई दिए हैं ड्राइव वोल्टेज, यहाँ पे जो है आपका 3.5 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 5 वोल्ट से यानी कि 3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट इसमें मिलेगा, 3.5 वोल्ट आ रहा है। जो वोल्टेज यहाँ पे आएगा सेम वोल्टेज यहाँ पे भी आना चाहिए, मतलब राइट साइड का जो चैनल है और लेफ्ट साइड का चैनल जो है सेम आना चाहिए वोल्टेज, देख सकते हैं यहाँ पे सही है। और हम लोग यहाँ पे दोस्तों चेक करते हैं इसकी जो ड्राइव वोल्टेज है, यहाँ पे आपका जो वोल्टेज आ रहा है 16 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट हो जाते हैं। दोस्तों इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके ग्राउंड से जो सोर्स है मॉस्फेट के सोर्स से आपको इसको यहाँ वोल्टेज चेक करना होगा।
यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 7 वोल्ट आ रहा है, यानी कि ये स्विच कर रहा है। अभी दोस्तों हम अगर सप्लाई को कट कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वोल्टेज एकदम जीरो हो जाएगी, देख सकते हैं जीरो, यानी ये स्विच नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं, यहाँ पे भी आपको जीरो मिलेगी। यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका 7 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है आपका 3.5 वोल्ट मिलेगा और यहाँ पे 7 वोल्ट आपको मिल जाएगा। इसके सोर्स से चेक करेंगे तब, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग इसमें ये बैटरी पे तो ये वर्क कर रहा है, अब हम लोग मेंस लगा के चेक करेंगे ये चेंज हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीरीज वायर लेके हम लोग सप्लाई देंगे। इसी जो ट्रांसफार्मर देख रहे हैं आप, इस ट्रांसफार्मर में हम लोग सप्लाई देंगे, उसके बाद चेकेंगे चेंज ओवर है कि नहीं। तो एक बार हम वीडियो को पॉज करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हम यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा हुआ है 23023, उसमें मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्ट कर दी सीरीज वायर, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, यहाँ पे सप्लाई दे दिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका चेंज ओवर हो गया, यहाँ पे दिखाइए कैमरामैन, देख रहे हैं आप यहाँ पे जो है चेंज ओवर हो गया और ये ब्लिंक कर रहा है, यानी कि ये चार्जिंग करना चाह रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो चार्जिंग कर रहा है, इस पीरियड में हम लोग चेक करेंगे इसमें कितने वोल्ट आ रही है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम लोग नेगेटिव लगाते हैं और यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग इसकी जो है मॉस्फेट पे जो है आपका 7.99 वोल्ट दे रहा है, 96 वोल्ट। और इधर में भी हम देख लेते हैं नेगेटिव के जो दूसरा चैनल है कितने वोल्ट है, 7.98 वोल्ट आपको मिल जा रहे हैं यहाँ पे। अब दोस्तों पॉजिटिव वाला हम लोग देख लेते हैं, पॉजिटिव वाला में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है नेगेटिव वाला में आपको 0 वोल्ट मिल जा रहा है। और दोस्तों यहाँ ग्राउंड से चेक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे भी आपका 0 वोल्ट मिलेगा। दोस्तों इसमें जब चार्जिंग होता है उस पीरियड में ये जो है नेगेटिव चैनल ही आपका स्विच करता है और पॉजिटिव चैनल तो स्विच नहीं करता है। इसमें क्या कारण होता है, इसमें देखिए इसकी जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग होती है वो 7.5 वोल्ट की होती है, ठीक है। लेकिन हम लोग बैटरी को चार्ज करने के लिए 12 वोल्ट से ऊपर चार्ज करना होता है, लेकिन 7.5 वोल्ट से बैटरी कैसे चार्ज होगा। इसके लिए क्या किया जाता है, ये जो ट्रांसफार्मर है वो इंडक्टर का काम करता है, यहाँ पे ये वोल्टेज को बूस्ट करता है, यानी कि 7.5 वोल्ट जो यहाँ पे जो 7.5 वोल्ट इसमें मिलता है उसको ये वोल्टेज को डबल कर देता है स्विच करके, इस वोल्टेज को स्विच करके इंडक्टर को वोल्टेज को डबल कर देता है, वोल्टेज को ये डबल कर देता है और ये बैटरी को चार्ज करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो सर्किट है ओके हो गया, इसमें प्रॉब्लम थी माइक्रो कंट्रोलर की। दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसकी जो आईसी की डिटेल्स क्या होगी, इसकी जो ड्राइवर आईसी की डिटेल्स क्या होगी, इसको रिपेयर की डायग्राम हम फुली आपको दे देंगे। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि मेरे चैनल पे आप आए हैं पहले नए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों मेरे इस दोस्तों अगर कोई भी इन्वर्टर का आपको सर्किट डायग्राम चाहिए तो आपको मेरे व्हाट्सएप से आपको डायग्राम ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको व्हाट्सएप में आपका जो भी इन्वर्टर की डायग्राम चाहिए तो मैं वहां पे दे सकता हूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।